अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के फ्लीट में मुमकिन शामिल होने वाले BT-4 नामी टैंक के बारे में बात करेंगे। 2009 में चीन ने MBT-3000 नामी मेन बैटल टैंक की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। चाइना की नोरिंको को इस MBT का डिज़ाइन तैयार करने का प्रोजेक्ट दिया गया। नोरिंको डिज़ाइन तैयार कर लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट भी हासिल करने में कामयाब हुई और 2014 में इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी गई। प्रोडक्शन से कबल 2012 में MBT-3000 का प्रोटोटाइप मॉडल यूरोसेटी एग्जीबिशन में पेश किया गया। पहला टैंक तैयार हो जाने के बाद इस MBT को 2014 में नोरिंको आर्मर डे और 10th चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया गया। चाइना इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पेश किए जाने के बाद इस टैंक का नाम MBT-3000 से बदलकर VT-4 रख दिया गया। VT-4 थर्ड जनरेशन हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। इस टैंक की लंबाई 10.10 मीटर, चौड़ाई 3.40 मीटर और ऊंचाई 2.30 मीटर है। इस टैंक में क्रू मेंबर की तादाद 3 है, जिनमें एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर शामिल है। VT-4 टाइप 96B जैसे बहुत से लेटेस्ट चाइनीज MBTs वाले फीचर्स और सब सिस्टम्स का हामिल है। इनमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, मजर रेफरेंस सिस्टम और ऑटो लोडर शामिल है। VT-4 की ओवरऑल ज्योमेट्री टाइप 99A से बहुत मुशाबियत रखती है। 500 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज रखने वाले ये टैंक 70 किलोमीटर की स्पीड से मूव करने की सलाहियत रखता है। इस MBT के प्राइमरी या मेन आर्मामेंट में 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर कैनन शामिल है, जो कि APFSDS, HESH और गाइडेड मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है। इस टैंक के चीफ डिजाइनर के मुताबिक BT-4 का APFSDS राउंड आर्मर में 700 मिलीमीटर तक पेनिट्रेशन कर सकता है। ये पेनिट्रेशन किसी भी थर्ड जनरेशन के टैंक को तबाह करने के लिए काफ़ी है। सेकेंडरी वेपन के तौर पर इसमें 12.7 मिलीमीटर की AA मशीन गन और 7.62 मिलीमीटर की क्वैक्सल मशीन गन शामिल हैं। 1200 HP की पावर सप्लाई करने वाले इस टैंक में टर्बो चार्ज डीजल इंजन फिट है। VT-4 का आर्मर ड्यूल लेयर कंपोजिट आर्मर या एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर पर मुश्तमिल हो सकता है। कंपोजिट आर्मर 500 मिलीमीटर की पेनिट्रेशन को रोक सकता है, जबकि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर 700 मिलीमीटर की पेनिट्रेशन को बेयर करने की सलाहियत रखता है। इस टैंक का फायर कंट्रोल सिस्टम, हंटर किलर कैपेबिलिटी, लेजर रेंज फाइंडर, पैनोरामिक साइट और थर्ड जनरेशन थर्मल इमेजिंग जैसी सलाहियतों का हामिल है। इसके अलावा ये टैंक डिजिटल कम्युनिकेशन की सलाहियत रखता है, जो दो टैंक्स को आपस में या टैंक को बेस से कम्युनिकेशन में मदद फ्राहम करता है। इस टैंक के ऑपरेटर में थाईलैंड, नाइजीरिया, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान ने 300 के करीब VT-4 का ऑर्डर दिया है, लेकिन VT-4 में खास बात यह है कि ये 1500 HP और FY-4 नामी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के हामिल हैं। इस टैंक की पर यूनिट कॉस्ट $4.9 मिलियन है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आर्मी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।